लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। लव मैरिज के बाद एक फौजी दूसरी शादी करने जा रहा था, तभी उसकी पत्नी गेस्ट हाउस पहुंच गई। पति की बारात पहुंचने से पहले ही महिला ने लड़की वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद शादी कैंसिल हो गई। फिलहाल आरोपी दूल्हा फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामला कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली खुशबू की शादी फतेहपुर के फौजी सर्वेश से तय हुई थी। इस समय उसकी तैनाती जम्मू में है। 4 दिसंबर को सर्वेश बारात लेकर गेस्ट हाउस पहुँचने वाला था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही एक युवती शोभा अपने परिजनों के साथ गेस्ट हाउस पहुँच गई। उसने दुल्हन के घर वालों को बताया, सर्वेश के साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 महीने पहले यानी जुलाई में हमने लव मैरिज की। इस बात से गुस्साए दुल्हन पक्ष के लोगों ने शोभा और उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दुल्हन खुशबू के बाबा के मुताबिक दूल्हा पहले से शादीशुदा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तैयारी भी पूरी हो चुकी थी और बारात आने वाली थी। करीब 4 से 5 लाख रुपए और एक बाइक पहले ही दे चुके हैं। अब सब बर्बाद हो गया। पहली पत्नी शोभा का कहना है, शादी से पहले सर्वेश से प्रेम प्रसंग के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसने अबॉर्शन करा दिया था। 3 महीने पहले मुझसे बोलकर गया था कि जम्मू में तैनाती हुई है, छुट्टी पर आऊंगा, लेकिन तब से गायब है। जब मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहा है तो मैं गेस्ट हाउस पहुंच गई।